मेरे प्यारे बहन भाइयों और मित्रों, कैसे हो आप? आज हम बात करने वाले ओफिन जेट टैबलेट के बारे में, जिसमें वो फ्लोक्सासिन और इंडाजोल साल्ट है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इसे कब, कैसे और क्यों नहीं यूज करना चाहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप इसको लूज मोशन लग गए हो उसमें भी आप इसको ले सकते हो, या फिर दोस्तों पाइल्स, एनएस, सूजन, दर्द, खून आना, उसमें भी डॉक्टर इसको देने की सलाह दे सकता है, या फिर दोस्तों पाइल्स मस्से को सुखाने के लिए भी डॉक्टर इसको देने की सलाह दे सकता है, या फिर दोस्तों यूटीआई, पेशाब में जलन आना, पेशाब में मवाद आना, या पेशाब का इन्फेक्शन हो जाना, पेशाब करते वक्त जलन सी महसूस होना, या पेशाब करते वक्त दर्द सा महसूस होना, उसमें भी डॉक्टर इसको देने की सलाह दे सकता है, या फिर दोस्तों वैगिनल इन्फेक्शन हो जाना, इसमें भी डॉक्टर इसको देने की सलाह दे सकता है, या फिर थायराइड फीवर हो जाना, इसमें भी डॉक्टर देने की सलाह दे सकता है, या फिर एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटाइजेस हो जाना, इसमें भी डॉक्टर इसको देने की सलाह दे सकता है, या फिर गुप्तांगों में छोटी छोटी फुंसी, रेडनेस हो जाना, यानी कि गुप्तांगों में लेडीज हो या फिर जेंट्स, उनके अंगों में, गुप्त अंगों में छोटी छोटी फुंसी हो जाना, उसमें भी डॉक्टर इसको देने की सलाह दे सकता है, या फिर ईएनटी इन्फेक्शन हो जाना, इसमें भी आपको डॉक्टर देने की सलाह दे सकता है, या फिर स्किन इन्फेक्शन हो जाना यानी कि इचिंग सी हो जाना, उसमें भी डॉक्टर इसको देने की सलाह दे सकता है, या फिर दोस्तों टर्निंग सर्जरी इन्फेक्शन हो जाना, इसमें भी डॉक्टर आपको इसको देने की सलाह दे सकता है। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, आपको दो बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है। नंबर वन, अगर आप इस प्रोडक्ट का यूज कर चुके हैं और आपको कोई भी परेशानी या किसी भी तरीके का अन्य साइड इफेक्ट दिखा है तो घबराए नहीं, तुरंत इस प्रोडक्ट को लेना बंद कर दे और अपने डॉक्टर से संपर्क करे। नंबर टू, किसी भी प्रकार की अन्य मेडिसिन या किसी भी अन्य प्रकार का कोई भी प्रोडक्ट अपने डॉक्टर के सलाह के नहीं लानी चाहिए, क्योंकि मरीज की, पेशेंट की उम्र अकॉर्डिंग अंदर बॉडी में क्या चल रहा है, क्योंकि दोस्तों हर आदमी के अंदर अलग अलग हार्मोन्स होते हैं, उनके हार्मोन्स के ऊपर, उनकी उम्र के ऊपर, उनके वजन के ऊपर उनकी जांच करवाने के बाद डॉक्टर दवाइयां देता है। इसलिए दोस्तों पहले अपने डॉक्टर से परामर्श यानी कि संपर्क करें, क्योंकि दोस्तों जान है तो जहां है, वरना सब मिट्टी समान। तो दोस्तों टैबलेट की फुल प्रमोशन, फुल जानकारी। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।